संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सांख्य दर्शन में हमने कुछ कारकों को जान लिया है और प्रमाण तक हमने जानने का प्रयास किया था। आशा कर रहे हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज से हम कोशिश करेंगे थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा कारकाएँ लें, तो आज चार कारकाओं के बारे में जानेंगे। और ये जो कारिका हैं, इसमें दो कारिकाएँ बहुत ही प्रमुख कारिकाएँ, इनमें से एक प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में मिल ही जाता है। तो सीधे कारिकाओं को देखते हैं, उसके बाद विस्तृत चर्चा करेंगे। कारकाओं के जरिए समझें, हिंदी में तो बहुत पढ़ी हैं, लेकिन कारकाओं के जरिए समझने से लाभ होता है कि कारकाएं भी आपको कंठस्थ होती चली जाएंगी। अब तो कारकाओं को उठा करके सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस तरह से सांख्य कारिका ठीक है। इसमें चार कारिका हैं, एक एक कारिका को देखते चलेंगे और आगे फिर बातें करते चलेंगे। प्रथम कारिका, उसकी व्याख्या देखेंगे, फिर हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे। प्रथम कारिका जो है वो प्रमाणों से संबंधित ही है, और प्रमाणों को बताने का प्रयास किया गया है उसमें, कौन से प्रमाण से क्या चीज पता चलती है, इस तरह से इसमें बोला गया है। सामान्य तस्तु दृष्टाद् अतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात्। तस्मादपि च सिद्धं परोक्षं आप्त आगमात्। सिद्धं ठीक है। एक एक कारिका को नहीं समझा करके मैं चारों कारिकाएं लिख देता हूं, फिर उसके बाद में उसका विस्तृत जानकारी लेंगे। दूसरी कारिका है, अब जो दूसरी कारिका है वो यहां तक बताया गया है कि इंद्रियों से, मतलब जो जो प्रमाण होते हैं उनसे किस चीज को देख सकते हैं। अब बात आती है कि वो कौन सी चीज है, अर्थात प्रकृति के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी सांख्य कारिका का जो इर्द गिर्द घूम रही है, आपको याद रखना है, वो अव्यक्त की तरफ घूम रही है, अव्यक्त को देखना है। जिस समय वो अव्यक्त को दर्शन हो जाते हैं, उसका हमें विवेक हो जाता है, तो आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो सारी कारिका, जितनी भी कारिकाएं हैं इसमें 70 कारिकाएं, वो केवल और केवल इनका ही ज्ञान कराने के लिए, प्रमेय का ज्ञान, इसको प्रमेय बोल सकते हैं आप ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जो अव्यक्त है या जो प्रकृति है, मूल प्रकृति जिसको बोलते हैं, वो इसको एक और नाम है इसका अप्रधान, प्रधान अव्यक्त और प्रकृति, ये तीन नाम है इसके। ये तीन में से कोई भी एक नाम आप याद रख लीजिए, कभी भी कोई भी नाम आ सकता है, तीनों को याद रखना है। तो ये दिखाई क्यों नहीं पड़ती, तो इसके लिए ये कारिका बताई गई है। दो कारिका इसमें इसके लिए प्रयोग की गई है। अति दूरात सामीप्या इंद्रिय घातान अनवस्थान। सौक्षम्याद व्यवधान व्यवधानात अविभवात। स
समाना हाराचा, ठीक है, ये दूसरी कार का है, इसमें ये बोल दिया गया है। और जो तीसरी कार का है उसमें अब इसमें बता दिया है कि कौन सी चीज किस कारण से दिखाई नहीं देती इस कारिका में, तो दूसरी कारिका में इसको सिद्ध किया गया है कि इसलिए ये हमें व्यक्ति जो है वो दिखाई नहीं देता। क्या है वो? सूक्ष्म याद तद अनुपलब्धि न भावात। बोल रहे हैं कि सूक्ष्मया तद अनुपलब्धि न भावात, कारितस्त उपलब्धि, ठीक है। आगे बरसाया गया है महदादि तच्चा कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च। ये इसके बारे में बता दिया है कि जो प्रधान है, जो अव्यक्त है, जो प्रकृति है, वो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ती, ठीक है। चौथा है, अब ये इस कारिका में, ये कारिका यहां पर पूरी हो जाती है, चौथी कारिका में ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि सत से सत की उत्पत्ति होती है, जो विद्यमान है उसकी विद्यमान की उत्पत्ति होती है, तो उसके बारे में चार पांच जनों उदाहरण दिए हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बोला गया है असद करणाद उपादान ग्रहणाद सर्व संभवा भावात। ठीक है, शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्त करणात्, आगे है कारण भावाच्चा सत्कार्यम, यही सिद्ध करना था इसमें, सत्कार्यम यही सिद्ध करना, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार एक इसमें देख लें कहीं कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद में फिर हम इसमें व्याख्या में जाएंगे, बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा। आज के बाद ये कारिका और ये कारिका, ये दोनों मुख्य हैं, इनमें इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, मात्र ये दोनों समझ गए तो एक प्रश्न आपका प्रत्येक परीक्षा में लगभग पक्का हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, सामान्य तस्तु दृष्टात इंद्रियाणाम प्रतीति अनुमानात तस्मादपि च सिद्धम परोक्षम आप्तागमात सिद्धम अतिदूरात सामीप्य अतीन्द्रिय घातान मनो अवस्थानात सौक्षम्याद व्यवधानाद अभिभावात समानाभिहारात च सौक्षम्याद तद अनुपलब्धिर्भावात कार्यत तद उपलब्धि महदादि तच कार्यम प्रकृति प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, ठीक है ना। असद करणाद उपादान ग्रहणात सर्व संभवात भावात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावात च सत्कार्यम, ठीक है। अब एक एक चीज को यहां देखते चलेंगे, जो हमने पढ़े थे प्रमाण, इसमें सामान्यतः दृष्ट अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानता हमने पढ़ा था, प्रत्यक्ष, ठीक है,
अनुमान और क्या पढ़ा था, शब्द प्रमाण। ये तीन हमने तीनों का अध्ययन किया था, ये प्रमाणों का। इसमें जो प्रत्यक्ष है वो इंद्रियों से सीधा संबंध है, ये हम सब जानते ही हैं, इसलिए यहां पर प्रत्यक्ष का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया, चर्चा नहीं की गई है। क्योंकि जब आंखों के सामने हैं तो उसको बताना ही नहीं है कि क्या हो सकता है, उससे किस चीज का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मेरे सामने ये बोर्ड है, मैं इसका अनुमान लगा सकता हूं कि ये व्हाइट है, सफेद है, इस तरह से सारी बातें इंद्रियों से समक्ष जो है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी चर्चा यहां पर नहीं की गई है। अनुमान को हमने तीन भागों में बांटा था, सामान्य, सामान्य तो दृष्ट, अभीत पूर्व सामान्य तो दृष्ट, और एक था शेषवत। एक था पूर्ववत, और इनको वीत और अवीत के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, अब यहां पर जो बात की गई है इसमें अनुमान से सीधे चर्चा की गई है, क्योंकि प्रत्यक्ष को हमने समझ लिया, प्रत्यक्ष की यहां पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है, अनुमान से लिया गया है। तो बोल रहे हैं ये सामान्य तु दृष्ट अतीन्द्रियाणाम, यानी कि इंद्रियों से जो अलग है, अतीन्द्रियाणाम इंद्रियों से जो परे है, उसकी प्रतीति अनुमानात, उसका प्रतीत जो होता है उसको कैसे पता किया जाए कि वो है, तो वो बोला है कि सामान्य तु दृष्टा, सामान्य तो दृष्ट यानी सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान है उसके द्वारा उस वस्तु का पता लगाया जा सकता है, उस चीज का पता लगाया जा सकता है जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो इंद्रियों से सन्निकर्ष नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है सामान्य तो दृष्ट, सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा एक बताया गया है केवल यहां। लेकिन इसमें कारिका में ये जो हमारे विद्वान हैं जिन्होंने इसकी व्याख्या की है, उन्होंने बताया है कि इस सामान्य तो दृष्ट के साथ में शेषवत अनुमान को और अध्याय किया ले जाएगा, अर्थात उसको भी इसमें ले लिया जाएगा। तो दो अनुमानों को शेषवत ले लिया जाएगा, क्योंकि दोनों अनुमानों का जो प्रयोग किया जाता है वो आंखों के जो नजदीक नहीं है, जो इंद्रियों के नजदीक नहीं है, ऐसी वस्तु को जानने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इनका एक क्रम है, उस क्रम को जान लेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पहले इस पंक्ति को पूरा जान लेते हैं, क्योंकि जब तक ये पंक्ति समझ में आएगी तो ये हमारे समझ में आएगी नहीं, क्योंकि दूसरी पंक्ति में आप तो वचन के बारे में चर्चा की गई है। पहले हम इस इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हम क्या क्या चीज जान सकते हैं और शेषवत से हम क्या क्या चीज जान सकते हैं। क्योंकि शेषवत के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था, जैसे शरीर है तो शरीर को देख करके हम पता, कोई भी व्यक्ति पता लगा सकता है कि आत्मा युक्त स शरीर है, सा आत्मिक है, मतलब आत्मा से युक्त है, तो ये शेषवत के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो क्रम दे रखा है पूरी सृष्टि का हमने जाना था, वो मैं क्रम थोड़ा सा यहां लिख दूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। दो तीन और ये चार। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया था कि सबसे पहले होती है प्रकृति, उसके बाद हमने जाना था महत तत्व होता है, इसलिए महदादि, जो महदादि प्रयोग किया गया है वो महत तत्व से शुरू किया गया है, ये इसके कार्य हो जाते हैं ना प्रकृति के। तो ये आपको याद रखना है, प्रकृति अव्यक्त है, जैसे ही महदादि में पहुंच जाएंगे तो वो व्यक्त के रूप में प्रयोग किया जाएगा, याद रखना है। हमने जाना था प्रकृति के नाम व्यक्त, अव्यक्त और प्रधान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये महत तत्व के नाम से जाना जाता है, ये महत तत्व या बुद्धि तत्व। ठीक है, उसके बाद में हमने जाना था अहंकार होता है, अहंकार की उत्पत्ति होती है, इस अहंकार के दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्से से तन्मात्राएं और दूसरी तरफ 11 इंद्रियां। लिखना इसलिए पड़ रहा है, छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना, ये मैं पहले बता चुका हूं इसलिए लिख रहा हूं, थोड़ा जगह कम है और आपको समझाना भी है इसको। तो ये पांच तन्मात्रा, इन पांच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है,
ठीक है। और पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं, चित, जल, पावक, गगन, समीर, ये सब पंच महाभूत के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा कार्य समझने का है। सबसे पहले इस अनुमान के अंतर्गत जो अतीन्द्रियाणाम पदार्थ को जानने की जो क्रम है, जो एक क्रम से जानना है, वो कैसे जानना होगा, तो हमको जानना क्या है, हमको जानना तो ये प्रकृति है किसी भी, ये इनके प्रकरण हमको प्रकृति तक ही पहुंचना है। इस सांख्य दर्शन का ये मूल उद्देश्य है कि जिस दिन हम प्रकृति को जान जाते हैं, उसका विवेक जान जाता है, विवेक आ जाता है हमारे अंदर, तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। तो यहां पर पहुंचने के लिए हम इन प्रमाणों के जरिए ही जानेंगे, इसलिए प्रमाणों की चर्चा इसमें सबसे पहले की गई है। तो जो शेषवत इसमें जो हमने लिया है, शेषवत से क्या होगा कि ये मोटी चीज को पकड़ेगा पहले, यानी पंच महाभूतों को जानने के बाद ये इससे, इस शेषवत अनुमान से ये अनुमान लगाया जाएगा कि ये तन्मात्रा और ग्यारह इंद्रिया, इन दोनों का अनुमान लगा लिया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, बाद बाकी आपको सिर्फ समझ में आ जाएगा। शेषवत अनुमान केवल इतना काम करेगा यहां पर कि पंचभूत को देख करके तन्मात्रा और ग्यारह इंद्रियों का अनुमान कर लिया जाएगा, इससे इतना काम इससे लिया जाएगा शुरू शुरू में। ये पहला क्रम है शेषवत का, सबसे पहला क्रम क्या होगा, ये पंचभूत को देखेगा, क्योंकि देखने से अनुमान लगाया जाता है। याद रखना, हमने बहुत बार देखा है कि जहां धुआं देखते हैं वहां अग्नि का अनुमान लगा लिया जाता है, जहां घड़ा देखते हैं वहां कुंभकार का अनुमान लगा लिया जाता है, जहां रथ देखते हैं वहां रक्तकार का अनुमान लगा लिया जाता है। अब हम मोटी उसको छोड़ दें, वो उदाहरण के रूप में थे, अब हमको प्रकृति पे जाना है, उसका उदाहरण फिर दूंगा मैं, तो फिर वो हम इस पर नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा उद्देश्य पढ़ाने से संबंधित थोड़ी सी इसको जानकारी भी लेते चलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। समय लगती है चीजों में, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो शेषवत अनुमान से पंच महाभूत को दिखाई देगा हमको, और पंच महाभूत के द्वारा उसको देख करके शेषवत अनुमान से हम तन्मात्राएं और ग्यारह इंद्रियां जो हैं उनका अनुमान लगा लेंगे कि ये हैं, इनसे ही पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है तन्मात्राओं तक, ठीक है। अब यहां से फिर शुरू होता है सामान्यतो दृष्ट का कार्य। फिर सामान्यतो दृष्ट इन पंच तन्मात्रा और ग्यारह इंद्रियों को बेस बनाकर के, आधार बनाकर के आगे की प्रक्रिया शुरू करती है। तो इस सामान्यतो दृष्ट के द्वारा अहंकार का अनुमान लगता है, फिर मैं तत्व का, और फिर उसके बाद में प्रकृति का भी अनुमान लग जाता है सामान्यतो दृष्टि के द्वारा। ये इसकी पूरा क्रम है, इसको क्रम को याद रखना। पहले क्रम में पंच महाभूत का ज्ञान होगा शेषवत से, तन्मात्रा और ग्यारह इंद्रियों को आधार बना करके फिर सामान्यतो दृष्टि के द्वारा, इस अनुमान के द्वारा हमें प्रकृति तत्व तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। अब एक और चर्चा उठती है कभी कभी दिमाग में कि ऐसा ही क्रम है, ये कैसे सिद्ध करेंगे, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण हमें अगली बारी इस पंक्ति में मिलेगा। कभी कभी दिमाग में आता है कि आखिर ऐसे क्यों, ऐसे भी तो हो सकता था कि ये पहले हो, ये प्रकृति से पहले महत्व हो या महत्व से पहले अहंकार हो, लेकिन ये क्रम ही क्यों दे रखा है ऐसे, तो इसके बारे में इसमें बोला गया है। थोड़ा इसको ध्यान देंगे तो बातें साफ समझ में आ जाएंगी, थोड़ा इसको मिटाऊं तब समझाऊंगा इसको। तो उम्मीद है ये दो चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, शेषवत से पंचभूत चिन्ह के रूप में, जैसे लिंग, जैसे हमने पर्वत पर अग्नि देखी, अग्नि क्या हुआ, वहां लिंग हुआ, लिंग से फिर लिंगी का अनुमान हुआ, अर्थात आग का अनुमान हुआ। ऐसे ही यहां पर पंचभूत है, पंचभूत लिंग का काम कर रहा है, उसके बाद ये अतीन्द्रिया है, यहां ना बोला अतीन्द्रिया नाम, अतीन्द्रिय जो है उनका अनुमान हो जाता है, फिर इसको आधार बनाकर अहंकार, प्रकृति, महत्व, प्रकृति, इन सब का जो अनुमान होगा वो सामान्यतो दृष्ट से होगा। इसमें एक चीज और है, पुरुष को ध्यान रखना, पुरुष में भूल जाना, पुरुष तो ये इनसे सबसे अलग होता है, अलगाव होता है, इसको बाद में समझाने का प्रयास करूंगा, बड़े अच्छे समझाऊंगा कि पुरुष का इसमें, इस क्रम में कोई भी क्रम नहीं होता, ये बिल्कुल अलग ही होता है, ठीक है। आशा कर रहा हूं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रहने दूं, थोड़ा सा आप इसको एक बार और समझते चले, इसमें ही थोड़ा सा समझा दूंगा। तस्मादपि चाहे सिद्धम परोक्षम आप्तगमात सिद्धम, ये कह रहे हैं कि इनसे भी, प्रत्यक्ष से भी और अनुमान से, अनुमानों के तीनों हिस्सों से भी जो चीज समझ में नहीं आती या जिसको समझाया नहीं जा सकता, उसका आप्तगमात से सिद्ध होता है, अर्थात उसको सिद्ध कैसे किया जाता है, शब्द प्रमाण से सिद्ध किया जाता है। तो जो क्रम है इस सृष्टि क्रम, ये शब्द प्रमाण से सिद्ध है, याद रखना इसको, शब्द प्रमाण, सृष्टि क्रम पूरा कि ऐसे ही होगा, प्रकृति, प्रकृति से महत्व निकलेगा, महत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा ग्यारह इंद्रियां, और तन्मात्राओं से पंचभूत की उत्पत्ति होगी। ये कैसे पता है, ये शब्द प्रमाण से
आप्त पुरुषों के द्वारा ऐसा बनाया गया है इसलिए इसको मानना चाहिए, यह इसलिए शब्द प्रमाण की है। दूसरी चीज परोक्ष वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, परोक्ष व्यक्ति, परोक्ष का मतलब जो आंखों से इंद्रियों से परे हो, अतिंद्रिय भी है लेकिन परोक्ष होता है बहुत समय, जैसे राम हुए, अब राम हुए ये अतिंद्रिय भी है और इनको हम देख भी नहीं सकते किसी भी तरीके से, अनुमान भी नहीं लगा सकते, जिसका हम अनुमान भी ना लगा सकें उनका हम शब्द प्रमाण से पता करते हैं। ठीक है, जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग को कोई भी देख नहीं सकता, उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता, अनुमान के बाद देख सकते हैं, कोई लिंग तो होगा, अनुमान उसी का लगा जिसका लिंग होगा, लिंग का मतलब लिंग हम जान चुके हैं, अनुमान सिर्फ लिंग पर चलता है, लिंग पर आधारित होता है, लिंग नहीं है जिसका उसको हम परोक्ष मानते हैं और वो आप्त वाक्य से ही पता चलता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना, तो स्वर्ग है इसका कोई लिंग नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो स्वर्ग को मानना होगा तो हमें शब्द प्रमाण को मानना पड़ेगा। तो ये परोक्ष के लिए शब्द प्रमाण को मानने की आवश्यकता होती है। तो परोक्ष वस्तु की जो सिद्धि होती है वो आप्त वाक्य से होती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। सामान्यतु दृष्टात अतिंद्रियाणाम प्रतीति अनुमानता, सामान्यता और शेषवत से अतिंद्रिय वस्तुओं का, चीजों का प्रतीति होती है, उन दोनों से प्रत्यक्ष और अनुमान से भी जिसकी सिद्धि ना हो ऐसे परोक्ष वस्तुओं की या चीजों की सिद्धि किससे होती है? शब्द प्रमाण से होती है। ठीक है, चलिए ये इसमें इतना ही है, अब इसमें कुछ नहीं है समझने के लिए। सृष्टि क्रम को याद रखना, कभी आ जाए कि सृष्टि क्रम का अनुमान कैसे लगाया जाता है, तो सृष्टि क्रम का अनुमान किससे लगाया जाता है, सृष्टि क्रम को कैसे सिद्ध किया जाता है, अनुमान नहीं कैसे सिद्ध किया जाता है, तो याद रखना शब्द प्रमाण से सिद्ध किया जाता है सृष्टि क्रम को। ठीक है, अब यहां तक हमारी बात समझ में आएगी। अब बात चलती है प्रकृति पर, कि प्रकृति फिर हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ती, प्रकृति हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ती, दिखाई देनी चाहिए जब हम इसके बारे में जान गए हैं। तो इसमें दूसरी कार्य का कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हर चीज को नहीं जान सकते आप, क्योंकि कई प्रकार होते हैं न जानने के न दिखाई देने के। अति दूरात सामीप्य इंद्रिय घातान मनो अनवस्थानात, अर्थात अति दूर कोई वस्तु है आपके सामने, उसको इतना दूर ले जाया ले जाया ले जाया ले जाया ले जाया ले जाया, आपको ताजमहल के बारे में पता होगा, सब जानते हैं, क्या हम ताजमहल देख पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी इंद्रियों के सामने नहीं है और बहुत दूर है, तो अति दूर होने से वो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये हो सकता है कि ज्यादा दूर हो प्रकृति इसलिए भी दिखाई नहीं दे रही हो। ठीक है, अभी इस कार्य का बताएंगे कि प्रकृति दिखाई क्यों नहीं दे रही है, अभी तो बता रहे हैं कि वस्तुएं दिखाई किस किस कारण से नहीं देती। अधिक दूर होने से वस्तु दिखाई नहीं देती, अति सामीप, अति का यहां पर अध्ययन करना पड़ेगा अर्थात उसको लाना पड़ेगा, अति सामीप्य अर्थात अधिकता जो समीप होती है आंखों की, जो अधिक समीप हो वो भी हम उसको देख नहीं सकते। उदाहरण तो इसमें एक ही दे रखा है कि काजल जैसे आंखों में लगा होता है तो काजल को आप देख नहीं पाते क्योंकि बहुत नजदीक है। आप उसका उदाहरण प्रत्यक्ष ये भी दे सकते हैं कि आप जब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते उसको आंखों के नजदीक लेते आइए और धीरे 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 आपके जो अक्षर है वो दिखना बंद हो जाएंगे। क्या हुआ? अधिक समीपता के कारण। उन्हीं अक्षर को आप दूर करते चले जाए, दूर करते चले जाए तो वो भी दिखना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अक्षर है नहीं, है दोनों कारण से, अति दूर से भी और अति समीप से भी वो अक्षर दिखाई नहीं देते। उदाहरण आप बनाइए, जितने उदाहरण बना सकते बना लो, कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से जो उदाहरण दे रखे हैं सांख्यकार का में आप उनको याद करो, उनको याद करोगे तो दिमाग वही लगा रहेगा जिंदगी भर। इंद्रिय घातान, इंद्रियों के खराब हो जाने के कारण कोई व्यक्ति है उसकी आंखों में कोई कमी आ गई है तो भी उसको दिखाई नहीं देता। मान लो आंखों में चोट लग गई है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, कुछ वृद्ध देखे होंगे बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, तो जो वस्तु है लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में चोट लगने के कारण, उनके नष्ट हो जाने के कारण, इंद्रियों को खराब हो जाने के कारण। मनो अनवस्थानात, मन के दूसरी जगह लग जाने के कारण। मैं बोल रहा हूं, आप वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन वीडियो सुनते सुनते बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आपके समझ में नहीं आती। जो बात समझ में नहीं आ रही तो उसका कारण है कि आपका ध्यान कहीं और चला गया, मन कहीं और चला गया, किसी और बात में उलझ गया, जहां दूसरी बातों में लग जाता है तब भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो मन के अनवस्थानात, मन के अनवस्था होने से, मन की अवस्था जो है वो अलग होने से भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती।
सौक्ष्म्यात सूक्ष्म सूक्ष्मता के कारण ही वस्तुएं दिखाई नहीं देती। यहां वातावरण में अणु परमाणु बहुत भयंकर चल रहे हैं, भयंकर मतलब बहुत अधिक मात्रा में यहां अणु और परमाणु तैर रहे हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, धूप का दिन हो थोड़ा सा, धूप का मौसम हो और धूप की किरणें सूर्य की किरण आ रही हो तो उस सूर्य की किरणों में तैरते हुए कण दिखाई दे जाएंगे आपको, लेकिन सूर्य की किरणों को बंद कर दिया जाए तो वो कण आपको दिखाई नहीं देंगे। कितने भी आप ध्यान लगाइए, कितने भी ध्यान से बैठिए, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। दही है, दही को लीजिए कटोरी में, दही में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में कीटाणु होते हैं लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देंगे। कारण, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है जिसके कारण आपको इंद्रियों से दिखाई नहीं देंगे। व्यवधानात व्यवधान होने के कारण भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं और उसको पीठ पीछे रख लीजिए, या किसी को किसी का हाथ रख ली, अगर हाथ आ जाए सामने तब भी आपको मेरा वीडियो है या सुन रहे हैं, मैं तो इसी का उदाहरण देना हूं जो आपको सामने है, तो वो वीडियो सुनाई देगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, चलचित्र दिखाई नहीं देंगे। तो व्यवधान आने के कारण भी वो चीज दिखाई नहीं देती। अविभवात किसी के अभाव अभिभूत हो जाने पर प्रभाव में आने के कारण भी वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे इसी का उदाहरण लीजिए, आप हो सकता है कि लैपटॉप पे देख रहे हो वीडियो, हो सकता है आप वीडियो ज्यादातर जो उम्मीद है फोन पे देखते हैं, फोन में इतनी आवाज नहीं होती लेकिन पड़ोस में यदि डीजे बज जाए, किसी का शादी हो रही है और फोन पर वीडियो देख रहे हो तो उसकी जो आवाज होगी आपकी आवाज से अधिक होगी, तो उसके प्रभाव के कारण भी आपको वो आवाज सुनाई नहीं देगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आवाज नहीं है, आवाज है लेकिन क्या हुआ, उसके प्रभाव में आने के कारण वो आवाज आपको सुनाई नहीं दी। यही तारों के साथ होता है, तारे तो होते हैं दिन में भी लेकिन सूर्य के प्रभाव के कारण तारों की चमक फीकी पड़ जाती और वो हमको दिखाई नहीं देती। ठीक है, समान अभिहाराचा समान प्रकृति की वस्तुओं के साथ मिल जाने पर भी वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास है और गिलास में पानी मिला हुआ है, बड़ा सा टब रखा हुआ है और पानी ले जाकर के गिलास वाला उस टब के पानी में डाल दीजिए तो आपको वो दिखाई देगा, गिलास का पानी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि टब में पानी अधिक मात्रा में और असमान जाति में वो मिल गया है इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही इनमें बरसात का उदाहरण दिया है उन्होंने कि बरसात में जब बूंद आती है तो वो समुद्र में गिरती है तो समुद्र के पानी जैसा ही हो जाता है, वो दिखाई नहीं देती। तो समान यानी अपने जैसे के साथ मिलने पर भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो कितने हो गए, अधिक दूर होने के कारण, अधिक समीप होने के कारण, इंद्रियों में चोट लगने के कारण, मन भटक जाने के कारण, सूक्ष्मता के कारण, व्यवधान के कारण, अभिभूत हो जाने के कारण, किसी के प्रभाव में आ जाने के कारण, अभिभवात का मतलब है किसी के प्रभाव में आ जाने के कारण, और आठवां है अपान समान अविभाराचा अपनी समान जाति में मिल जाने के कारण। ये आठ प्रकार से वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, हैं लेकिन वस्तुएं इन आठ कारणों से हमको दिखाई नहीं पड़ती। तो प्रकृति हमको दिखाई नहीं पड़ती तो वो इन आठों में से कौन सा कारण है जिसके कारण वो हमको दिखाई नहीं पड़ती, तो उसके लिए अगली कार्यक्रम बताया गया है सौक्ष्म्यात सौक्ष्म्यात तद अनुपलब्धि न अभावात, यानी सूक्ष्मता के कारण उसकी उपलब्धि यानी उसको हम नहीं देख पाते, सूक्ष्मता के कारण न अभावात, ऐसा नहीं कि उसका अभाव है, ठीक है अभाव नहीं है, है लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है कि हमको उसको देख नहीं पाते। तो सौक्ष्म्यात तद अनुपलब्धि न अभावात, अभाव के कारण नहीं, हम उसकी सूक्ष्मता के कारण उसको देख नहीं पाते। बात यहां तक समझ में आ रही होगी, ये प्रश्न जो भी तो पूछ लेता है कि कभी कभी कि जो प्रकृति है वो हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ती, तो याद रखना है सूक्ष्म्यात तद अनुपलब्धि न अभावात, अर्थात उसका अभाव नहीं है, वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है जिसके कारण हमको वो दिखाई नहीं पड़ती। कार्यता तद उपलब्धि, कार्य से वो उपलब्ध है, महद आदि कार्य जितने भी हैं वो हमको उसके रूप में दिखाई देती है। महद तत्व है, अहंकार है, तन्मात्रा है, इंद्रियां हैं, भूत हैं, इनके रूप में वो प्रकृति हमको
महसूस होती है। इसलिए शेषवत और सामान्य तो दृष्टि के द्वारा हम प्रकृति को भी महसूस कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। ये लिंग हो गए उसके, ठीक है। महद आदि तत्व कार्यम, कार्यम यानी महद तत्व आदि उसके कार्य हैं, किसके? प्रकृति के। प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, और वही प्रकृति जो उनके कार्य हैं, प्रकृति से कहीं कहीं स्वरूप भी रखते हैं, मतलब एक जैसे भी होते हैं, कहीं कहीं उनसे हटके भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आप किसी बच्चों को देखो तो बच्चों को देख करके अनुमान लगा लेते हो कि इनके पिता इसी की तरह रहे होंगे या होंगे, लेकिन जब उनसे पिता से मुलाकात करते तो पता चलता है कि किसी किसी के साथ तो ठीक है कि पिता की तरह ही है बच्चा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो वो प्रकृति है, माता पिता और बच्चे कार हैं। तो वो स्वरूपम यानी एक जैसे भी हो सकते हैं और विरूपम अलग भी होते हैं, थोड़े अलग भी होते हैं, थोड़े एक जैसे भी होते हैं, ठीक है। इन कारिकाओं में कोई खास नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीन कारिकाएं सही समझ में आ गई होंगी। अब ये मुख्य कारिका ये है, आपको इसको ध्यान रखना है, और इसको मैंने बताया था, ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत मुख्य है। इसमें बात आगे की चली है, और इसमें सत्कार्यम कार्य विद्यमान है अपने कारण में, ये इसकी परिभाषा, इसको सिद्ध करना, ये पूरी परिभाषा इसको सिद्ध करती है। इसको आप समझ गए, क्योंकि इसको समझना बड़ा थोड़ा टिपिकल सा पड़ जाता है, पता नहीं क्या समझा रहे हैं, मैं इसको समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूं आपको। देखिए, बौद्ध हैं, बौद्ध कहते हैं असत से सत की उत्पत्ति होती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक बार ध्यान दे लीजिए। बौद्ध या बौद्ध के अनुयायी जितने भी हैं वो कहते हैं कि सत से असत से सत की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो विद्यमान नहीं है उससे विद्यमान होना हो जाता है। मान लीजिए पेड़ है, पेड़ को इन्होंने उदाहरण दिया है बड़े अच्छे से, पेड़ बीज से उत्पन्न होता है, ये उन्होंने भी माना है, लेकिन बीज जब ना होना हो जाता है, बात उनकी भी ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी। बीज जब अपने आप को नष्ट कर लेता है, जमीन के अंदर जैसे जाता है, तो बीज को पहले ना होना होता है कुछ पल पल के लिए, जब फटता है और खत्म हो जाता है बीज अपने आप में जो मूल रूप होता है, फिर जब फटने के बाद में उससे जो अंकुर पैदा होता है तो पेड़ की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने बोल दिया है उसी को कि असत से जो नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, उससे सत यानी विद्यमान की उत्पत्ति होती है, अर्थात उस बीज जब ना होना हो जाता है तो होने को उत्पन्न करता है। ये बौद्ध के अनुयायियों का मानना है, ठीक है, आशा कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। दूसरे हैं न्याय और वैशेषिक। न्याय वैशेषिक कहते हैं सत से असत की उत्पत्ति होती है। न्याय वैशेषिक, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों मानते हैं कि जो है, जो विद्यमान है और उसकी उत्पत्ति भी होती है जो विद्वान विद्यमान नहीं है। उन्होंने अणु और परमाणु के बारे में बात करी है, मैं इसमें थोड़ा साइंस में ले जाऊं तो शायद समझ में आए। जैसे अगर आप जल है, जल H2O से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन दो के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, जल नहीं है जल, थोड़ा सा ध्यान देना, ये इसमें उदाहरण नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, अच्छा लगा तो बताना, नहीं तो आप और उदाहरण देख सकते हैं। जल है नहीं वास्तव में, वास्तविकता में वो अविद्यमान है। वो क्या है? जो विद्यमान है H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो विद्यमान है, उसके मिलने से जल हमको दिखाई पड़ रहा है नहीं, ये इनका मानना है, क्योंकि विज्ञानवादी है थोड़े से, ये आणविक बातों की बात करते हैं इस तरह से इनकी परिभाषा है। तो सारा संसार जो है वो है नहीं वास्तव में, वो किसी कारण का जो विद्यमान है उसको मिलाने से चीजें उत्पन्न हुई हैं। जैसे पान खाया जाता है, पान को यदि एक एक चीज को अलग कर लिया जाए, चूना अलग, कत्था अलग, पान अलग, सुपारी अलग, तो लाल रंग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उनको मिलने से जो विद्यमान था पहले था, अगर नहीं होता, जब मिलन होता है इन चीजों की, तब वो उत्पन्न होता, लाल रंग होता नहीं है, बस वो आभास होता है उन चीजों के मिलने से। तो इनका कहने का तात्पर्य है, और अधिक इसमें हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने अध्ययन ज्यादा नहीं किया है क्या बोलना चाहते हैं ये, लेकिन इतना ही है थोड़ा थोड़ा।
ठीक है। तीसरी चीज और आती है, पहले तो हुए बौद्ध, दूसरे हो गए न्याय वैशेषिक, तीसरे ये स्वयं है या उनको ले लेते हैं वेदांतियों को। वेदांति कहते हैं अद्वैत वेदांति, अद्वैत वेदांति ये कहते हैं कि जो भी ब्रह्म है, ब्रह्म अज्ञान रूपी जो भी, मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है, आप वेदांत सार जाकर के अध्ययन करेंगे तो उसमें अच्छे समझाने का कोशिश की है मैंने, तो ब्रह्म का ही एक विवर्त है, ये प्रपंच है, सारा संसार है नहीं, ये एक प्रपंच है, एक विवर्त माना है उन्होंने, वेदांतियों ने, ठीक है। तो इसका यहां कोई अभी औचित नहीं है। चौथे पे स्थान पर यही आते हैं सांख्य। सांख्य दर्शन कहते हैं कि सत से सत की उत्पत्ति होती है, जो विद्यमान है वही विद्यमान को जो दिखाई दे रहा है उसकी उत्पत्ति कर सकता है, जो नहीं है वो उत्पत्ति नहीं कर सकता। उन्होंने भी उदाहरण दिया बीज का, जैसे बौद्धों ने दिया था उदाहरण कि बीज जब नष्ट हो जाता अपने आप में तभी वो पेड़ बनता है, तो इन्होंने भी बोला है कि बीज नष्ट होता है लेकिन बीज में पहले से ही मौजूद होता है कि उससे कितना बड़ा पेड़ बनेगा, कैसे पत्ते आएंगे, किस प्रकार के फल लगेंगे, सारी बातें उस बीज में पहले से ही विद्यमान रहती हैं, तब वो पेड़ की उत्पत्ति होती है, ये इनका मानना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सत से सत की उत्पत्ति होती है, इस कार्य का में दर्शाने का प्रयास किया गया, आप एक बार देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि असद कारणात्, असद करणात् यानी असद से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत्य से, वैसे बहुत बताते हैं ना कि असत से सत्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, असत करणात्, असत अकरणात् यानी कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? इन्होंने उदाहरण दिया है जैसे तेल है, तेल उसमें से ही निकलेगा जिसमें पहले से विद्यमान होगा, तिल है, तिल में से तेल आएगा क्योंकि तिल में पहले से मौजूद है। यदि असत से सत की उत्पत्ति हो जाती तो वालू, वालू रेत, रेत से भी तेल की उत्पत्ति हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने बोला है असत अकरणात् यानी कि असत है जो विद्यमान नहीं है, उससे विद्यमान की जो मौजूद है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तिल से तेल की उत्पत्ति हो सकती है क्योंकि तिल में तेल पहले से है, बालू में नहीं है, इसलिए बालू से तेल उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से इसमें समझाया गया है। अगले हम बताया गया उपादान ग्रहणात्, उपादान का तात्पर्य क्या होता है, उपादान का सीधा तात्पर्य होता है कि हम कोई वस्तु लें और उससे कोई दूसरी वस्तु का निर्माण कर दें, तो उपादान ग्रहणात्। जैसे घड़ा है, यदि हमको घड़ा बनाना है तो घड़ा हर किसी से नहीं बना सकते हम, घड़ा बनाने के लिए हमको मिट्टी का उपादान करना पड़ेगा, उपादान करना पड़ेगा। तो मिट्टी जब आएगी तो मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होगा, घड़ा बनेगा। ऐसे ही पट बनाना है, पट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तंतुओं को लाना पड़ेगा, तब पट की उत्पत्ति होगी। उपादान ग्रहणात् यानी उपादान जो है उससे उत्पत्ति होती है। सर्वसंभव अभावात्, सर्वसंभव, सब कुछ सब किसी से उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं तो यहां समस्या सबरी उत्पन्न हो जाएंगी, फिर इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं या जो भी बोला जा रहा है सब बेकार हो जाएगा। मान लीजिए आपको आम का पेड़ लगाना है तो सर्वसंभव का नियम अगर लग जाए, सभी से सभी चीज उत्पन्न होने लग जाए, तो यहां पर आम के पेड़ के लिए आप कोई सा भी बीज बो दीजिए, आपके पास नीम का हो, अखरोट का हो, बादाम का हो, जिसका भी हो उसको बो दो और सोच लो कि आम का होगा तो आम का ही पैदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। नीम का बोएंगे तो नीम का ही होगा, बबूल का बोएंगे बीज तो बबूल का पेड़ होगा, आम का गुठली बोएंगे तो आम का ही बीज पैदा, पेड़ पैदा होगा। तो सर्वसंभव यानी सभी से सब कुछ उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, जो है फिर वही आता जाती है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि सत से सत्य की ही उत्पत्ति होती है, अर्थात जो मौजूद है। मान लीजिए आम का आपने बीज लगाया,
तो आम का ही वृक्ष पैदा होगा, ऐसा नहीं कि वो बबूल का हो जाए। ठीक है, सभी से सब कुछ पन नहीं हो सकता। अगले में बोले हैं सक्तस्य शक्य करणात्, जो जिसको उत्पन्न करने में समर्थ है वही उसको उत्पन्न कर सकता है, दूसरा नहीं। इसमें बस इतनी सी बात है, आपको इसमें बात जो सब कुछ उदाहरण है वो इसी संबंध ले सकते हैं, जिसमें जो शक्ति है उत्पन्न करने की, जो पदार्थ उत्पन्न होना है वो उसी से उत्पन्न हो सकता है जिस पदार्थ में उसके कारण में वो शक्ति मौजूद है, अन्यथा की दृष्टि में वो उत्पन्न नहीं हो सकता। यहां पर आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, मिट्टी से, मिट्टी में वो शक्ति है जो घड़े को उत्पन्न कर सके, बना सके, तभी ये घड़ा बनेगा। मिट्टी से आप सोचो पट बन जाए, पट की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी में वो शक्ति है ही नहीं, वो समर्थ है ही नहीं जो पट को बना सके। गुठली से, यहां गुठली को उदाहरण नहीं ले रहे हैं, पट से, पट का उदाहरण लीजिए, तंतु से ही उत्पन्न हो सकते हैं, तंतु वो शक्ति है, धागे वो शक्ति है जो कपड़े का निर्माण कर सके। धागे से आप सोचो कि रोटी का निर्माण हो जाए, नहीं होगा। रोटी के निर्माण के लिए फिर अनाज की आवश्यकता होगी, अनाज में वो शक्ति है जो रोटिका को निर्मित कर सके। तो शक्तिवान से, समर्थवान से जिसको हम उत्पन्न करना चाहते हैं तो वो समर्थवान पहले से है उसको उत्पन्न करने में। तो शक्तस्य शक्य करणात्, यानी शक्तिवान, शक्तिवान जो है वो शक्य को निर्मित करता है। ठीक है, कारण भावाच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए थोड़ा। कारण, ये संबंध समना समझा होगा आपने, कार्य कारण के बारे में जानते हैं हम, तो ये वही कह रहे हैं कारण भावाच्चा, अर्थात कारण जो कार्य है वो अपने कारण में पहले से ही मौजूद है। आप जब उसका अध्ययन करेंगे सांख्य तर्क भाषा का या तर्क संग्रह का, तब उसमें बड़े अच्छे समझाया, मैंने एक वीडियो बनाया है, शायद आपको देखने की टाइम मिल जाए थोड़ा सा उसको देख लेना, तर्क भाषा में द्वितीय वीडियो है शायद, तो उसमें कार्य कारण को मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो कार्य पहले से कारण में मौजूद है, कारण है तभी कार्य है, यदि कार्य है तो कारण है, तो ये वो कह रहा है कि कारण में पहले से कार्य मौजूद है। आम की अगर गुठली है तो आम की गुठली में जो कारण है आम के पेड़ का, तो पहले से कारण में, यानी आम के जो बीज है उसमें वो सारा पेड़, पत्ते, फल, सब कुछ उसमें पहले से ही अंदर है कारण में, जो कार्य बनेगा भविष्य में, तो कार्य कारण भाव इसको बोला जाता है। तो सत्कार्यम, इसलिए इन्होंने ये चार पांच उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है कि सत्कार्यम, सत से सत की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो विद्यमान है वही विद्यमान को उत्पन्न कर सकता है, अनता की दृष्टि में ऐसा कोई कारण नहीं है जो असत से सत्य की उत्पत्ति कर सके या सत से असत्य की उत्पत्ति हो। तो जो हम देख रहे हैं जैसे उसमें बोला गया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो इनके अनुसार तो ये भी सत्य है और वो भी सत्य है जो कारण है, बस अंतर इतना है ये कार्य है वो कारण है, ये नष्ट हो जाएगा नाशवान है, जो कारण है जो प्रकृति है जिस प्रकृति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो कारण है। ठीक है, याद रखना आपको, बाद बाकी मेहद आदि तत्व जो है वो सब इसके कार्य है, तो कार्य जब भी है जिसका मतलब वो कारण पहले से मौजूद है। तो कारण नाशवान नहीं है, वो अनित्य है, नित्य है, अनित्य शब्द लगा दिया, नित्य है, और जो उसके कार्य हैं वो अनित्य हैं, इसलिए कह देते हैं कि संसार नाशवान है, लेकिन संसार है, याद रखना आपको। सांख्य दर्शन इसी बात को समझाता है कि आप जो भी जिए आराम से जिए, क्योंकि ये भी सत्य है, क्योंकि आप उसके ही कार्य हैं जो है, नहीं होता तो आप भी ना होते। इसलिए सांख्य दर्शन मैंने पहले बताया, सांख्य दर्शन का अध्ययन भगवान बुद्ध ने भी किया था, सांख्य दर्शन का अध्ययन महावीर जैन ने भी किया था, और मध्यम मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त हुए, केवल को प्राप्त हुए। तो इसी प्रकार से जो है वो हैने से ही उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा की दृष्टि में उत्पन्न नहीं हो सकता। उम्मीद करूंगा थोड़ी सी इसमें
बातें बताने का प्रयास किया। यदि इसमें कुछ कमी रह गई है तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करना, मैं और बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।